नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है पंकज कुमार मौर्य और स्वागत है एक बार फिर से आपका घर में बगीचे चैनल में। किसान भाइयों, आजकल प्याज की फसल में थ्रिप्स कीट का प्रकोप बहुत तेज़ी से हो रहा है। इससे बहुत बड़ा नुकसान होता है फसल को, क्योंकि जो ये थ्रिप्स कीड़े होते हैं वो प्याज के पौधों में जहाँ से पत्तियाँ निकलना शुरू होती हैं सबसे पहले उसी जगह पर झुंड में बैठ कर पत्तियों का जो हरा हरा क्लोरोफिल होता है उसी को खा जाते हैं, जिससे पौधे की पत्तियाँ झुलसी हुई दिखाई देने लगती हैं और पत्तियों का जो हरा भाग होता है जब उसको खा जाते हैं तो पौधे अपना जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है उसको सही से नहीं कर पाते और अपना खाना कम बना पाते हैं। इसलिए पौधों का जो विकास कम हो जाता है और साथ साथ में जो ट्यूबर होता है, जो कंद होता है, उसका भी विकास बंद हो जाता है, रुक जाता है और पैदावार पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ जाता है। ज़्यादा प्रकोप बढ़ने पर पत्तियाँ ऐंठने लगती हैं और खेत पूरा जला जला सा दिखने लगता है, जैसा हम इस वीडियो में के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। यह देखिए किसान भाइयों, इस तरीके से जो पौधों की पत्तियां होती हैं वो दिखने लगती हैं। कभी कभी बहुत ज़्यादा प्रकोप होने के कारण जो पत्तियां होती हैं वो लिपटी हुई दिखने लगती हैं या जलेबी के आकार की दिखने लगती हैं। इसे कुछ लोग जलेबी रोग भी कहते हैं। किसान भाइयों, दूसरी बात यह है कि इस समय गेहूँ की कटाई लगभग हो चुकी है, तो जो दूसरे खेतों में BPH या टिड्डे वगैरह थे वो भी सब प्याज की फसलों में ही आ रहे हैं और इनकी जो पत्तियाँ हैं उनका हरा वाला जो भाग है उसको खा रहे हैं, पत्तियों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो चलिए आप जान लेते हैं इन सभी का खात्मा करने की अचूक दवा के बारे में। भाइयों, पहले हम जान लेते हैं कि यह जो कीड़े हैं यह आपके खेत में ना आए उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। नाइट्रोजन का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, यानी रोपाई के बाद आप यूरिया का संतुलित उपयोग करें, बहुत ज़्यादा मात्रा में केवल यूरिया अपने खेत में ना डालें। और दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है, अगर आप लगातार हर बार उसी खेत में प्याज की फसल कर रहे हैं हर साल, तो आप एक बार गहरी जुताई गर्मियों में ज़रूर करें। भाइयों, इस समय तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए आप जो भी दवा हम आपको बताने जा रहे हैं उसका आप इस्तेमाल या तो सुबह कीजिएगा या फिर शाम को जब सूर्यास्त होने से पहले थोड़ा पहले कर दीजिएगा। दोपहर में बिल्कुल भी इसका स्प्रे मत कीजिएगा, नहीं तो इस जो कोई भी दवा का आपको रिजल्ट बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो चलिए दवा आप नोट कर लीजिए। भाइयों, पहली दवा का जो कॉम्बिनेशन है वो है थायोमेथॉक्साम 12.6% और लैम्डा साइलोथ्रिन 9.5% ZC। इन दोनों का जो टेक्निकल आता है एक ही में, वो सिंजेंटा कंपनी का एलिका नाम से आता है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस टेक्निकल से आपको किसी भी कंपनी का अगर मिल जाता है आसानी से तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसका प्रयोग कैसे करना है, यदि आपके खेत में थ्रिप्स लगा नहीं है और केवल आप अपनी फसल को थ्रिप्स से बचाना चाहते हैं तो उसका डोज रहेगा 80 ml प्रति एकड़। और यदि लग चुका है, बहुत ज़्यादा भी मात्रा में लगा हुआ है या कम लगा हुआ है, तो आपको डोज लेना है 100 ml प्रति एकड़, यानी 15 ml प्रति टंकी के हिसाब से दवा मिलाकर आप 10 से 15 दिन के अंतराल पर स्प्रे ज़रूर करें। इससे आपकी फसल में जितने भी चूसक कीड़े होते हैं, जो चूसने वाले पत्तियों को चूसने वाले कीड़े होते हैं, वो सभी नष्ट हो जाएंगे। दूसरी बात, अगर आपको ये दवा मार्केट में नहीं मिलती आसानी से, तो फिर आप इमिडाक्लोपिड 17.8% SL इसकी 40 ml मात्रा ले लीजिए और एसीफेट 75% SP की 40 ग्राम मात्रा, इन दोनों को आप आपस में मिला लीजिए किसी बर्तन में और उसके बाद एक टंकी में इतना डोज बनाकर डाल दीजिए और स्प्रे कर दीजिए, तो आपका तब भी अच्छे से काम हो जाएगा। तो ये दो दवाएं हैं, दोनों में से जो भी आपको मिल जाए आप उसमें से इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको बहुत ही बेहतर रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा आपको कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो किसान भाइयों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर करिएगा। हम मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद किसान भाइयों।